जेसी आर टी के डीजी स्कूल में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। प्यारे बच्चों, मेरा नाम गणेश है और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 8 के विज्ञान से पाठ 6 यानी कि बल तथा दाब के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहा हूँ। इस वीडियो में कुल 15 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पर मैं आपसे चर्चा करूँगा जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फिर देर ना करते हुए चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आ गए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आप देखिए पहला प्रश्न आप देखिए स्क्रीन पर कि जब दो बल किसी वस्तु पर एक ही दिशा में कार्यरत होते हैं तो परिणामी बल, और आपके सामने ऑप्शन क्या क्या है, ए दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है, बी दोनों बलों के योग के बराबर होता है, सी दोनों बलों के गुणफल के बराबर होता है, और डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके आंसर की चर्चा करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है कि जब दो बल किसी वस्तु पर एक ही दिशा में कार्यरत होते हैं, मतलब लगते हैं। तो सपोज करिए कि आप मान लिए कि यहाँ पर हमारा एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है, और इस पर दो बल लग रहे हैं जो कि एक ही दिशा में लग रहा है। मान लेते हैं पहला बल है F1 और वह लग रहा है इस दिशा में, और एक दूसरा बल है वह है F2 और वह भी लग रहा है इसी दिशा में। तो जब इस वस्तु पर दोनों बल एक ही दिशा में लगते हैं तो जो परिणामी बल होगा वह इन दोनों बलों के योगफल के बराबर होगा। तो अब देखिए ऑप्शन इसमें कौन सा है, तो इसमें है ऑप्शन नंबर बी, दोनों बलों के योग के बराबर होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जिसको कि ग्रीन कलर से हाईलाइटेड किया हुआ है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न देखिए स्क्रीन पर कि जब दो बल किसी वस्तु पर एक दूसरे की विपरीत दिशा में कार्यरत होते हैं तो परिणामी बल कैसा होता है, और ऑप्शन है ए दोनों बलों के गुणफल के बराबर, दोनों बलों के योग के बराबर, दोनों बलों के अंतर के बराबर, और उपर्युक्त सभी। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी पिछले वीडियो में देखा था कि जब एक वस्तु पर दो बल समान दिशा में लग रहा था तो परिणामी बल दोनों बलों के योगफल के बराबर था, लेकिन इस प्रश्न में उस वस्तु पर दो बल तो लग रहे हैं लेकिन दोनों बल जो हैं वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं। तो उसको अगर हम लोग थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे तो हम देख सकते हैं कि अगर इस तरह से हमारा एक ऑब्जेक्ट है, एक बल लग रहा है इस दिशा में, मान लेते हैं ये F1 है, और एक बल इसके विपरीत यानी इधर लगेगा, ये है F2। तो इस तरह की परिस्थिति में जो इसका परिणामी बल होगा वह इन दोनों बलों के अंतर के बराबर होगा। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, सी दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। देखिए इसको ग्रीन कलर से हाईलाइट किया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं अब तीसरा प्रश्न देखिए स्क्रीन पर बल का SI मात्रक क्या है, और आपके सामने क्या क्या ऑप्शन है, ए पास्कल, बी जूल, सी न्यूटन, और डी वोल्ट। तो देखिए अगर हम लोग इसको ध्यान देखेंगे तो पहला है पास्कल, तो पास्कल जो है यह दाब का मात्रक है, जूल ऊर्जा का मात्रक है, न्यूटन बल का मात्रक है, और वोल्ट जो है विभव का मात्रक है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी न्यूटन, तो बल का SI मात्रक क्या है, न्यूटन। अब चलिए हम लोग देखते हैं चौथा प्रश्न है पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं, और क्या क्या आपके सामने ऑप्शन है, ए चुंबकीय बल, बी स्थिर विद्युत बल, सी घर्षण बल, और डी गुरुत्व बल। तो देखिए पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर जो आकर्षण बल लगता है उसको हम लोग कहते हैं गुरुत्व बल, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी गुरुत्व बल। देखिए गुरुत्व बल को ग्रीन कलर से हाईलाइट किया गया है। अब चलिए हम लोग देखते हैं पांचवा प्रश्न है कि जब कोई घोड़ा तांगा खींचता है तो वह किस प्रकार के बल का प्रयोग करता है, और आपके सामने ऑप्शन क्या क्या है, ए गुरुत्व बल, बी चुंबकीय बल, सी मांसपेशीय बल, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गुरुत्व बल क्या है, तो पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाला आकर्षण बल है, चुंबकीय बल है चुंबक द्वारा लगने वाला बल, और मांसपेशीय बल ही है जिस बल से घोड़ा तांगा खींचता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी मांसपेशीय बल। चलिए हम चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए,
जमीन पर लुढ़कती गेंद कुछ दूर जाकर रुक जाती है, ऐसा किस बल के कारण होता है? और आपके सामने ऑप्शन है ए गुरुत्व बल, बी घर्षण बल, सी विद्युत बल और डी हमारा है चुंबकीय बल। तो देखिए, जमीन पर जब कोई गेंद लुढ़कती है तो लुढ़कने के कुछ समय के बाद वह रुक जाती है, ऐसा घर्षण बल के कारण होता है। घर्षण बल गति का विरोध करता है जिसके कारण वह गेंद कुछ दूर जाकर रुक जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी घर्षण बल। अब चलिए हम देखते हैं सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है निम्न में कौन सा बल संपर्कित बल का उदाहरण है? और आपके सामने क्या क्या ऑप्शन है, ए गुरुत्वाकर्षण बल, बी स्थिर विद्युत बल, सी चुंबकीय बल और डी है घर्षण बल। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इस संपर्कित बल का मतलब क्या हुआ। तो संपर्कित बल उस बल को कहते हैं जिसको तभी लगाया जा सकता है जब वस्तु को हम लोग भौतिक रूप से संपर्क में लाते हैं, मतलब उसको हम लोग स्पर्श करते हैं तभी हम उस बल को लगा सकते हैं। तो इसमें से अगर हम लोग ऑप्शन देखते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल में स्पर्श करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, स्थिर विद्युत बल में भी संपर्क की आवश्यकता नहीं है, चुंबकीय बल में भी संपर्क की आवश्यकता नहीं है, अब अंत में डी नंबर है घर्षण बल, यह तभी लगता है जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी घर्षण बल। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अब आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है निम्न में से कौन सा बल असंपर्कित बल का उदाहरण है? तो देखिए ऑप्शन है ए चुंबकीय बल, बी घर्षण बल, सी मांसपेशीय बल और डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी अभी हम लोगों ने देखा था संपर्कित बल जिसमें कि संपर्क करना जरूरी होता है, और यहाँ पर क्या है असंपर्कित बल, तो असंपर्कित बल में संपर्क करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो अब देखिए चुंबकीय बल, इसमें संपर्क की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए चुंबकीय बल। अब चलिए हम चलते हैं नौवें प्रश्न पर। नौवां प्रश्न आप देखिए स्क्रीन पर, एक kgf कितने न्यूटन के बराबर होता है? kgf मतलब किलोग्राम फोर्स, तो एक किलोग्राम फोर्स कितने न्यूटन के बराबर होता है? और ऑप्शन है ए 98 न्यूटन, बी 980 न्यूटन, सी 9.8 न्यूटन और डी 0.98 न्यूटन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एक किलोग्राम फोर्स होता क्या है। तो देखिए ये एक किलोग्राम फोर्स 1 kgf, तो एक किलोग्राम फोर्स वह फोर्स है जो कि पृथ्वी किसी एक किलोग्राम के वस्तु पर लगाती है, मतलब पृथ्वी द्वारा एक किलोग्राम के वस्तु पर जितना गुरुत्वीय बल लगाया जाता है उसे ही हम लोग एक किलोग्राम फोर्स कहते हैं। तो एक किलोग्राम फोर्स का वैल्यू कितना होगा? तो देखिए हम सभी जानते हैं एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है F=ma, तो m मतलब वस्तु का द्रव्यमान और a मतलब त्वरण। तो m पे जब हम कितना लिखेंगे एक किलोग्राम, और a और a जब पर लिखेंगे हम पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण g, तो जहाँ m है वहाँ लिखेंगे हम लोग 1 kg, और जहाँ a है वहाँ लिखेंगे हम लोग पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण मतलब 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा निकल जाएगा 1 kg फोर्स का वैल्यू। तो 1 kg फोर्स का वैल्यू कितना निकलेगा जब मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9.8 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बदले हम लोग लिखते हैं न्यूटन, तो ये हो जाएगा 9.8 और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे न्यूटन, तो 9.8 न्यूटन। 9.8 न्यूटन किसमें है सी नंबर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 9.8 न्यूटन। चलिए हम लोग दसवें प्रश्न को देखते हैं। दसवां प्रश्न देखिए, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? और ऑप्शन क्या क्या है, ए ऊर्जा, बी कार्य, सी दाब और डी है इनमें से कोई नहीं। तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, इसका सही उत्तर है सी। अगर आप दाब के बारे में विशेष रूप से वीडियो चाहते हैं तो ऊपर कहीं पर आई बटन में आप देख रहे होंगे वीडियो का लिंक मिल रहा होगा, आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है सी दाब। चलिए हम देखते हैं ग्यारहवां प्रश्न। ग्यारहवां प्रश्न देखिए, द्रव का दबाव गहराई के बढ़ने से, ऑप्शन है घटता है, बढ़ता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है और इनमें से कोई नहीं। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा प्रश्न है कि द्रव का जो दबाव है गहराई के बढ़ने से क्या होता है। अब आपको इसको इस तरह समझिए कि सपोज करिए ये हमारा एक बोतल है और यहाँ पर हमने कोई लिक्विड लिया हुआ है, इस तरह से यहाँ से भरा हुआ है, ठीक है,
और एक हमारा छेदा है यहाँ पर, इसका नाम दिया मैंने ए, और एक छेदा है यहाँ पर, इसका नाम दिया बी। ठीक है, अब देखिए कि दोनों ही छेदों से अगर यह लिक्विड या द्रव बाहर निकलता है तो बी में जो लिक्विड का प्रेशर होगा वह कम होगा और ए में प्रेशर होगा वह ज़्यादा होगा। तो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ए में द्रव का जो स्तंभ है, द्रव की जो ऊंचाई है वह इतना है और बी में बहुत ही कम है, आप देख सकते हैं बहुत कम है इसके रेस्पेक्ट में। तो द्रव का गहराई जितना ज़्यादा होगा द्रव का दाब उतना ही ज़्यादा होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि द्रव का दबाव गहराई के बढ़ने से बढ़ता है, तो उत्तर हो जाएगा बी, बढ़ता है। 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है, द्रव द्वारा समान गहराई पर सभी दिशाओं में लगाया गया दाब समान होता है, असमान होता है, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। यह भी एक अच्छा प्रश्न है कि द्रव के द्वारा समान गहराई पर, अब मान लेते हैं फिर से मैं उसी बोतल को लेता हूं, अब देखिए ये बोतल है और इसमें समान गहराई पर एक छिद्र में यहां करता हूं, एक यहां पर करता हूं और उसी प्रकार से लिक्विड को मैं यहां पर डाल देता हूं। ये एक छिद्र ए है और ये एक छिद्र बी है और दोनों की समान गहराई पर ही है, तो ए बिंदु पर द्रव का जितना दाब होगा बी बिंदु पर भी द्रव का उतना ही दाब होगा, एग्जैक्ट सेम होगा। अगर ए बिंदु पर द्रव का दाब है पी ए और बी बिंदु पर द्रव का दाब है पी बी, तो ये जो पी ए है और ये पी बी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि द्रव द्वारा समान गहराई पर सभी दिशाओं में लगाया गया दाब समान होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, समान होता है। अब चलिए हम देखते हैं 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न देखिए कि जब किसी वस्तु पर कार्यरत सभी बलों का परिणामी बल शून्य होता है तो उस बल को क्या कहते हैं? ऑप्शन है असंतुलित बल, संतुलित बल, मांसपेशीय बल और घर्षण बल। तो देखिए, जब किसी वस्तु पर कार्यरत सभी बलों का जो परिणामी बल है, रिजल्टेंट फोर्स है, वह अगर शून्य होता है, जीरो होता है, तो हम लोग कहते हैं उसे संतुलित बल। जैसे मान लेते हैं कि हमारा ये एक ऑब्जेक्ट है, इधर भी एक बल लग रहा है F1 और इधर एक बल लग रहा है F2 और इधर एक बल लग रहा है F3 और इधर एक बल लग रहा है F4 और इन सभी बलों का परिणामी बल अगर हम बात करते हैं, इन सभी बलों का परिणामी बल अगर शून्य है, शून्य है, अगर इन सभी बलों का यानी कि F1 का, F2 का, F3 का, F4 का परिणामी बल अगर शून्य है तो हम इन सभी बलों को हम क्या बोलेंगे? संतुलित बल कहेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, संतुलित बल। अब चलिए हम देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, पृथ्वी के सतह से ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है, बढ़ता है, घटता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अगर ये एक पृथ्वी है और पृथ्वी के सतह से जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो वैसे वैसे वायु का घनत्व घटता है, तो जैसे जैसे हम ऊपर की जाएंगे वैसे वैसे वायुमंडलीय दाब हमारा घटते चला जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, घटता है। अब चलिए हम लोग इस वीडियो के अंतिम प्रश्न को देखते हैं। हमारा अंतिम प्रश्न है, शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? और आपके सामने ऑप्शन है चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल, घर्षण बल और है गुरुत्व बल। तो शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह स्थिर विद्युत बल के कारण बिखर जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, स्थिर विद्युत बल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में इस चैप्टर के मुख्य ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर चर्चा किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपने विचार वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इसी प्रकार की वीडियो के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें।